तो साथियों, अभी जो है हम लोग संग्रामपुर पंचायत में हैं और भंडार गांव है, वार्ड नंबर एक में का। अभी जो है स्वच्छता अभियान का कर्मचारी हमारे साथ हैं, हम लोग बात करने का कोशिश किए, अच्छा जानकारी भी इनसे मिला, फिर जागे जो भी जैसा होगा हम लोग जानकारी भी लेंगे। जी, नाम भी अभी तक नहीं मिला है कोई, मेरे को कोई सर्टिफिकेट जो कि आप क्या पहचान पत्र प्रमाण पत्र हमको है, सफाई कर्मी है, वो सब हमें मिलना चाहिए। मैंने अभी तक आपको कोई प्रूफ नहीं मिला है सर? प्रूफ प्रमाण नहीं मिला है। आप ऐसा ही काम कर रहे हैं सर? काम कर रहे, फिर भी आइडेंटिटी कार्ड बोला था, ये सब भी हमारे यहाँ नहीं है, ये सब अभी तक आपको नहीं मिला है। आए थे कि आपके पास में अभी क्या परिचय पत्र है, जैसे आप काम कर रहे थे, आपके पास में क्या पहचान है? अभी कोई प्रमाणित नहीं है, जो कि बोला था कि प्रमाण पत्र आइडेंटिटी कार्ड जो प्रमाण कर रहा है बोला था, लेकिन अभी तक नहीं आया। अभी तक आपको कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ पैसा ही काम कर रहे हैं सर? कितना घंटा काम सर, अभी कितने बजे से निकलते हैं, कितने बजे तक आप काम करते हैं? 5 बजे से निकलते हैं, 9 बजे तक हम लोग काम करते हैं। 5 बजे से सर डेली आपको काम करना पड़ता है, एको दिन छुट्टी नहीं है सर? अगर कहीं जाना हो, कहीं छुट्टी लेना हो तो फिर किस तरीके से मैनेज करते हैं? मैंने किसी को बोल के जाते हैं सर छुट्टी के लिए? सर आपको किसे परमिशन लेना होता है सर छुट्टी के? छुट्टी लेने के लिए हमको सुपरवाइजर से परमिशन लेना पड़ता है। सुपरवाइजर से परमिशन लेना? कहीं कोई तरह का समस्या भी काम करने में सर लाज उज तो नहीं लगता? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। शुरू में कभी ऐसा भी होता होगा सर कि लाज लगता है स्टार्टिंग में लोगों को? लेकिन हम लोग कभी भी वो सब भेदभाव ही कभी नहीं रखे हैं, कभी लाज उज नहीं लगा। चाचा से भी थोड़ा सा और एक जानकारी लेंगे। चाचा, कितना उम्र आपका हो गया? 40 से कम। कभी सोचे थे चाचा कि जो है हमको घर में ही गाँव में ही नौकरी मिलेगा? कैसा खुशी जब नौकरी मिला था तो कैसा घर को खुशी घर में आया था, ये थोड़ा सा जानकारी दीजिए। देखिए चाचा, नौकरी के लिए आदमी कुछ भी करता है, और आज नौकरी आपको बुढ़ापा में कितने उम्र हो गया? 40 साल के उम्र में आपको जो है घर में ही नौकरी मिला है, तो कैसा लग रहा, कैसा खुशी आपको मिलता है? कैसा खुशी मिल रहा, हम तो ऐसे मनोरंजन में चल रहा है, मनोरंजन में चल, पैसा तो उठा नहीं है चाचा। तो देख सकते हैं कि चाचा खुश है, और चाचा को जो है गाँव में घर में नौकरी मिला है, अब वो भी 40 वर्ष पूर्ण के बाद चाचा को नौकरी मिला है। इससे तो मान लीजिए हर आदमी को नहीं, आप तो निराशा हो गए होंगे चाचा कि हमको अब नौकरी नहीं मिली। नौकरी अब क्या होगा, ये नौकरी नहीं है चाचा, ये नौकरी परमानेंट हो रहा है। परमानेंट ही है चाचा, सबसे बड़ा काम तो आप ही करेंगे। यार कैजुअल का कोई भी नुकसान नहीं है, जब उसको साटिक पीटिक हो जाए तो कुछ होता है। चलो तो चाचा, आपके साथ में क्या क्या समस्या होता है, थोड़ा सा आप अपना जानकारी दीजिए, और आपके साथ भी कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं, आप एकदम खुश है चाचा? एकदम खुश है, कोई दिक्कत नहीं है? कुछ लोगों ने लजाता है चाचा कि लजाने से क्या होगा, जो मोटको मिलेगा क्या, जो पतरको मिलेगा, तो करना पड़ेगा कि नहीं, काम काम होता है, लाज नहीं लाज क्या करेगा। आदर पंचायत में भी हम लोग देखें कि बहुत लजाता है, सब टोपी पहनने से लजाता है, साफ सफाई जो है लजाता है, सो गड़बड़ काम करता है, लजाना नहीं चाहिए। काल लगा मटका मिलेगा, पत्रका मिलेगा, सबको ढूंढने चलेगा। तो भैया थोड़ा सा एक और, तो साथियों अभी जो है हम लोग चानन प्रखंड के भंडार गांव और वार्ड नंबर एक के जो है स्वच्छता कर्मी अभी हमारे साथ में हैं, आज जानकारी लेते हैं। क्या नाम है? रामजी यादव। कितना पहले आप बहाल हुए हैं जीजा? हम अभी बहाल। कितना दिन पहले? 3 महीना हो गया। कितना बार आपको वेतन उठा लिए हैं जो? दूसरा बार वेतन, दूसरा बार आप उठा लिए। हाँ। क्या दिक्कत चाचा आपके साथ, क्या परेशानी होता है इस दौरान में जो आप काम कर रहे हैं इसमें? काम दबाव को यही कहता है कि अब क्या उठाइए, कि अब पैसा 1 रुपया को कह दिया घर पर मुखिया जी लेने के लिए, वो भी नहीं देता है, 100 रुपया को पर काम करता है, इसमें गुजारा होगा। कितने लोग आप अपने टीम में, कितने लोग हैं अपनी टीम में? 31 लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार यादव है। कितना दिन से आप जो है इसमें ज्वाइनिंग किया हुआ है? इसमें ज्वाइनिंग आज हो गया 5 महीना करीब। 5 महीना हो गया सर। कितना वेतन आप उठा लिए हैं? पेमेंट तो उठा लिए, 4 हम उठाए सर। 4 वेतन आप उठा लिए। ये सर जो भी आपका जो नया जो ये नियम सरकार का आया है स्वच्छ लोहिया स्वच्छता अभियान, इसमें जो भी कर्मचारी हैं पता चलता है कि यहाँ पे जो है सही ढंग से काम नहीं होता, कई भी पंचायत में पता मैंने किया है सही ढंग से काम नहीं, मेरा पंचायत में सही ढंग से काम हो रहा है सर, पता करने का चीज़ है वो तो। आपके अभी 1 नंबर वार्ड में सर, 1 नंबर काम हो रहा है, 2 नंबर में काम चल रहा है, 2 नंबर हमारे, 3 नंबर में भी काम, 4 नंबर में भी काम चल रहा है। आप लोग को सर इसमें क्या क्या समस्या होता है, क्या परेशानी आता है, क्या जानकारी देंगे समाज को? समस्या हमारे यहाँ, हाँ तो क्या समस्या भैया आपके साथ में आता है सो बताइएगा थोड़ा सा। समस्या क्या है, हम लोग में 101 नंबर वार्ड में 100 घर पूरते हैं, उसमें ऊपर से आदेश था कि 1 रुपया घर पीछू देना, लेकिन वो लोग 1 रुपया भी अभी तक नहीं दे रहा है, और हम लोग 100 रुपया में काम कर रहे हैं डेली को, यही समस्या। अच्छा, और अच्छा, क्या कि इसमें हम हमारे गुजर बसर चलेंगे, हमने 3 लड़का बच्चा भी आ रहा, हमें 2 में है। कितना वेतन आपको मिलता है सर? 3000 मिलता है सर। वेतन आपको किसके माध्यम से मिलता है?
वेतन तो हमको ऊपर से आता है। आता है लेकिन आपको किन के माध्यम अकाउंट पे जाता है कैश मिलता है? नहीं, अकाउंट पे आता है। कितना आता है सर? 3000 आता है। 3000 आता है सर। तो आपका ये कहना है कि जो भी घर पीछे जो भी आप कचरा उठाते हैं तो घर पीछे आपको 1 रुपया देने का है? हाँ जी। लेकिन 30 रुपया का महीना, लेकिन 1 रुपया कोई नहीं देना चाहता है। कोई एक रुपया कोई नहीं देना चाहता, बोलता है करना तो करो नहीं तो छोड़ दो। कौन बोलता है ये बात को? जनता लोग बोलता है। करना है तो करो नहीं तो छोड़ दो। नहीं तो ये तो जनता की गलती है। तो साथ क्या हम लोग का 3 जनवरी का पेट भर जाएगा? आप मांग क्या है आपको? मांग है कम से कम 1 लेबर का दिहाड़ी होना चाहिए। एक लेबर का तैयारी होना, कम से कम 1 लेबर अगर 8 घंटा का 10-4 रुपया होता है वो भी हम लोग का होना आपको चाहिए। कितना घंटा ड्यूटी करना पड़ता है हमको? 3 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। कितने बजे से कितने बजे ड्यूटी करते हैं? 6 बजे से 8:30 बजे तक करते हैं ड्यूटी। उसमें आपको 1 नंबर वार्ड में ही करना पड़ता है? 1 नंबर वार्ड में करना पड़ता है। आप अपने 2 आदमी रहते हैं साथ में? जी जी जी, हम रहते हैं और रामजी यादव है मेरा साथी। तो आप लोग जो है सूखा कचरा गीला कचरा दोनों करते हैं? हाँ, दोनों लेते। एक आपका शिकायत है सर, क्या? क्योंकि मैंने देखे थे कि अभी जितना भी आप लोग जो भी साफ सफाई का काम कर रहे थे पूरा रोड पे जो है कचरा फेंका हुआ रहता है सर। तो सरकार ने वो काम एक बिल्डिंग बना दिया है ना, कचरा का जगह बनाया है ना, तो कचरा वहाँ जाना चाहिए कि रोड पे जाना चाहिए? नहीं, वो भी होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जो डंपिंग का गाड़ी अभी तक नहीं आया है, वो आने वाला ही है, इसीलिए करके सर रोड पे रखा जा रहा है। वहाँ फिर डंपिंग करके जहाँ पे हम लोग रख रहे हैं वहाँ पे जाएंगे वहाँ पे। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आप लेकिन रोड पे? हमारे यहाँ तो खिरिया घाटी में बन गए हैं डंपिंग का। जी जी जी। तो कुछ दिन का इंतजार है गाड़ी आने का, वो लोग बात हम लोग का वहीं जाएगा कचरा। तो आपका सर यही कहना है कि मैंने जो भी समाज में लोग हैं जिनके यहाँ की मैंने कचरा का कारोबार चल रहा है जिस वार्ड में जी, उनको जी, 1 रुपया सर डेली के प्रतिदिन देना होता जी, है जी जी। हम लोग का मीटिंग जिला में हुआ था, DM भी बोला था घर पीछे 1 रुपया लेना है हर घर पीछे। अच्छा अच्छा, यही सब के बारे में बताया था, लेकिन आज तक अभी तक कोई 1 पैसा भी नहीं दिया। अच्छा सर, आपके सुपरवाइजर के भी तरफ से कोई दवा वगैरह कुछ? कोई दवा वगैरह के दवा काम करने को बताया, काम हम लोग कर रहे हैं। मेरा सुपरवाइजर है बबलू मंडल। कोई तरह का दबाव सर? कोई दबाव नहीं है सर, आराम से काम हो रहा है। काम हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और हमको आप जानकारी? दबाव के काम तो हम कर रहे हैं, हम लोग कर ही रहे हैं, तो फिर दबाव को क्या? जिसे ये बोल रहे थे सर कि आपको 30 दिन में 30 दिन ड्यूटी करना पड़ता है कि छुट्टी भी है सर? 300 दिन ड्यूटी करते हैं, एक दिन भी छुट्टी नहीं है। तो साथियों आज देख सकते हैं कि आज संडे है, फिर भी कर्मचारी जो है यहाँ संग्रामपुर पंचायत वार्ड नंबर 1 में काम कर रहे हैं। देख सकते हैं हमारे साथ चाचा भी हैं और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो जानकारी दीजिए, जो भी आपके डिपार्टमेंट के लोग हैं अदर पंचायत के हैं वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा काम करने में लगाते हैं, उनको शर्म आता है झाड़ू मारने में, चाहे ये टोपी पहनने में, चाहे वर्दी पहनने, वैसे लोगों के लिए क्या करते हैं? हमारे लोग कोई दिक्कत समस्या नहीं, हम लोग तो काम करते हैं। वैसे लोगों के लिए क्या कहिएगा जो भी अभी वर्दी में नहीं आया है, उनको लाज लग रहा है अभी तक वो जो है 1 दिन काम नहीं किया है, अब वो लगा रहा है, तो वैसे लोगों के लिए क्या बोलेंगे? वैसे लोगों को भी काम करना चाहिए, पहनना चाहिए, और क्या बोलेंगे? क्योंकि नौकरी है सर, नौकरी 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 होता है, वो भी घर का नौकरी है सर। हाँ, घर का नौकरी, अगर 1 रुपया की भी नौकरी है तो नौकरी है। हम लोग का सर यही होना चाहिए, गाड़ी का रिपेयरिंग का भी पैसा ऐसा लाना चाहिए जो कि टूट फट जाएगा। अभी तक देखिए ठेला तो मेरा जो खत्म हो गया, अगला कार भी खत्म। तो साथियों देख सकते हैं कि भैया अच्छा से बात किए हैं, दोनों हैं साथ में हमारे, और हम लोग गाड़ी का क्या बोले सर कि अथी हो जाता है थोड़ा सा, वो भी हम दिखाने का कोशिश करेंगे। देख सकते हैं कि इधर अभी सूखा कचरा। अच्छा अच्छा, टायर थोड़ा सा फट उट जाता है इनके लिए जो है। आप लोग को सरकार से क्या मांग है सर? रिपेयरिंग होना चाहिए, गाड़ी आना चाहिए, इसके जगह पर टोटो हम लोग को आना चाहिए, गाड़ी के जगह पर बैटरी वाला आना चाहिए, बैटरी वाला आना चाहिए। सही बात, ये आपका सरकार से मांग है। तो अभी तो सब स्टार्टिंग हुआ है, धीरे धीरे सरकार आपको सब सुविधा देने का काम कर रही है। पेमेंट बढ़ाना चाहिए जो कि हमको 100 रुपया कुछ होने वाला नहीं है, जो कि हम भी बच्चे, हम 5 फैमिली पर 2-3 बच्चे दो, हम 5 हैं। अच्छा लगा भैया से बात करके, और आगे जो भी हमको और जानकारी होगा हम अपडेट लेने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो है संग्रामपुर पंचायत वार्ड नंबर 1 में हकीकत में कर्मचारी जो है हमको टाइम से यहाँ पे मिला है, और हम बात करने का भी कोशिश किए हैं, और आगे जो भी होगा हम और जानकारी लेने का हम कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे यहाँ सर जो कि समस्या है कि अभी तक